कचहरी क्लब टाउन हॉल के मैदान में आयोजित 15 दिवसीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व विधायक एवं उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य लल्लन तिवारी, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोरखपुर मंडल NP मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अपने संबोधन में अतिथियों ने खादी पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि खादी हमारी स्वतंत्रता की रीढ़ है। देश में पहले कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे तो महात्मा गांधी जी ने खादी को एक अभियान के रूप में चलाया, जिससे लोगों को घर पर ही रोजगार मिला एवं पहनने के लिए वस्त्र मिला। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज हमारे देश से कच्चे माल ले जाते थे और उसके बदले तैयार वस्त्र भेजते थे जो बहुत महंगे होते थे। इस दौरान स्वरोजगार के क्षेत्र में चलाए गए योजनाओं की जानकारी दिया गया। गौरतलब है कि 15 दिवसीय आयोजित मंडलीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र व कश्मीर, गुजरात के खादी वस्त्र सिल्क, टसर, ऊनी वस्त्र, ऊनी सादरी जैकेट, ऊनी शॉल, बिहार भागलपुर के सिल्क चादरें, राजस्थान बीकानेर का पापड़, बड़ी भुजिया नमकीन, प्रतापगढ़ का आंवला उत्पाद, कन्नौज के सुगंधित धूप बत्ती व अगरबत्ती एवं आयुर्वेदिक औषधियां, भदोई की दरी कालीन, लखनऊ की बुटिक शुद्ध शहद, चर्म वस्तुएं एवं अन्य ग्रामोद्योगी उत्पाद उपलब्ध हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, ग्रामोद्योग अधिकारी देवरिया श्री हरिनाथ प्रसाद जी कुशीनगर के जिला मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे अध्यक्ष माननीय, मेरा आग्रह है आप सभी से, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे अतिथिगण पंडाल में हैं, वो एक एक कर निरीक्षण कर रहे हैं, उसके पश्चात ही औपचारिक तौर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन, औपचारिक तौर पर आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन। उसके बाद अक्टूबर से लेके फरवरी, ये सब कौन कपड़ा है? ये पेंट का कपड़ा है, पते हैं नहीं, ये हमारे यहाँ का बना हुआ है, ये दूसरी जो संस्था बनाती है उसके आपसे हम खरीद, जैसे अपना माल हम लोग उसको दे, हाँ, एक कम्बल, एक कम्बल छूट काट के बता दीजिए, 1300 कितना? 1300 गांधी आश्रम देवरिया का, देवरिया, ये देवरिया की एक संस्था है, देवसहा गांव है, उसी में इन्होंने अपना, ये भी आप बनाते हैं? हाँ ये भी जो है इन्होंने कुछ, ये पोली हरिद्वार से हैं, ये भी PMAGP के उठा प्रधानमंत्री रोजगार, उन्होंने ऋण लेके अपने जो है, कितने की पड़ता है जी ये? 250% कितना हुआ? 1500 राम राम का बात बता है, वही है फर्क होता है, ये कढ़ाई होता है जो वही कढ़ाई है, कितने साल बना रहता है ये? देखो कपड़े का आइटम, लेदर का आइटम है, ये चलता है, यानी ये चीज़ जो आप बनाए थे कितने साल लगता है? ये तो कढ़ाई ना खराब नहीं होती, इन्हें तो ये जो कढ़ाई कोई तगड़ी दवा रखे हैं, क्षमता का खांसी की दवा मंगाइए, जाना है देख चुके ठीक, हमारे साइज से
कहाँ बार बार आएंगे? ये तो ऑफिस से, वो समझे ऑफिस से, ये अपनी बाजार है यार, ये अपनी बाजार है यार, अपने प्रोडक्ट हैं सब। मैडम जी आप दिखाइए, सब का सब जो है वहाँ यूनिट लगाए हुए हैं अपने गांव पर, सब बन रहा है टोटल प्रोडक्ट। और ये देखिए भगवा कलर में जो है गारमेंट का हाथ बनाने के लिए आपके लोअर है, शर्ट है, ये कितने का पड़ेगा? हम लोग इसको 300 दे रहे हैं पब्लिक को 300 तो लिखा है 550, वही ना छूट पे दिया यार, छूट पे दिया जा रहा है इसको। आज सब अमूल्य समय दिया है इस प्रदर्शनी में, हमारे 9 स्टेट की इकाइयां भागीदारी कर रही हैं, कुल 98 स्टॉल जो है बनाए गए हैं, जबकि ओपन स्पेस में भी हमारी करीब 8-10 इकाइयाँ इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। इस तरह से करीब 108 स्टॉल जो है इसमें वर्तमान में है। कुछ इकाइयाँ अभी हमारी पहुंच नहीं पाई हैं परिस्थितियों बस, जो कि देर सवेर रात तक पहुंच जाएंगी। कल से हमारी ये प्रदर्शनी में जितने भी स्टॉल हमने तैयार किए हैं उसमें सभी इकाइयाँ जो है हमारी स्थापित हो जाएंगी। प्रचार प्रसार के लिए जो सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हम लोग रोजगार सृजन का कार्य विभाग की योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं, उसमें जितने भी हमारे श्रम करने वाले लगे हुए हैं, जो हमारे स्वरोजगारी हैं, उनके द्वारा जो भी माल उत्पादित किया जा रहा है उसके लिए जन जन तक इसकी जानकारी देना, उसका प्रचार प्रसार करना और उनको एक विपणन का एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है। मैं आशा करता हूं कि गोरखपुर की जनता द्वारा इस प्रदर्शनी में हमारे आए हुए जितने भी प्रतिभागी हैं उनका जो है अच्छी बिक्री होगी। तकरीबन 108 उद्यमी और उपस्थित नागरिक बने, मैं बधाई दूंगा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को इस प्रदर्शनी के आयोजन के लिए और एक बहुत अच्छी व्यवस्था को उपलब्ध कराने के लिए। हम लोगों का और हमारी सरकार का यह लगातार जोड़ है। हमारे प्रधानमंत्री शुरू से कहते हैं हम नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। 5% का अनुदान का अंशदान 15% से लेकर के 35% तक की मार्जिन मनी, अर्थात अगर आपने 10 लाख रुपया दिया है तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं उन्हें मार्जिन मनी अगर शुरुआत में दे दी जाए तो उस मार्जिन मनी के लिए ही उद्योग लगाएंगे और बाकी उसके बाद बंद करके चला। आप लगातार बेहतर काम करने के लिए तीन साल बाद अपने उस मार्जिन मनी को पाने के लिए लोगों को वस्त्र उपलब्ध सस्ते दर पर कराने का ब्रिटिश काल में एक आंदोलन के रूप में इसे चलाया गया था, किससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, भारत में रहने वाले लोगों को वस्त्र मिले। जब देश हमारा प्राधीन था तो कच्चा माल यहाँ से खरीद कर विदेशी ताकतें अपने यहाँ ले जाती थी और भारी मूल्य पर फिर उसे भारत में बेचती थी। हमारे देश के लोग आधे वस्त्र ही पहनते थे, स्वयं महात्मा गांधी इसके उदाहरण थे। महात्मा गांधी ने देखा कि भारत के लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, क्योंकि उसकी कीमतें उस समय इतनी महंगी होती थी, उपलब्धता होती नहीं थी, तो उन्होंने एक अभियान चलाया जिससे देश के लोगों की गरीब जनता को कपड़ा भी मिले और रोजगार भी मिले। बोर्ड के जनपद के तरफ से एक प्रदर्शनी प्रतिवर्ष लगाई जाती है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य होता है कि प्रधानमंत्री ने जो कार्यक्रम चलाया है
खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ODOP के तहत उसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग अपने अपने प्रोडक्शन को लाते हैं, यहाँ पर मार्केट मिलता है उनको, प्रतिवर्ष लगाई जाती है, इससे जो आय होती है कमजोर वर्गों के लोगों को उसके लिए फायदा होता है। प्रधानमंत्री और योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर गारमेंट के मामले में बहुत ही आगे जा रहा है और मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के दिशा निर्देशन में यहाँ गारमेंट पार्क की स्थापना की जा रही है, उसके लिए जमीन चिन्हित की गई है। रमा शंकर शुक्ला जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई महिलाएं स्वराज प्रधानमंत्री स्वराज योजना के तहत अपने प्रोडक्ट को लाई है, उनको मार्केट मिलेगा और खादी हमारे देश की एक पहचान है और महात्मा गांधी ने खादी आंदोलन चला करके देश को स्वावलंबी बनाने का एक महान अभियान शुरू किया था। जब अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ पर देशवासी कपड़ा नहीं बना सकते, विदेशों से महंगे कपड़े मंगाए जाते थे और यहाँ के लोगों को उपलब्ध नहीं होते थे। महात्मा गांधी ने कहा कि हम स्वयं खादी कपड़े बनाएंगे, घरों में सूत काटेंगे और खादी को बढ़ावा देंगे और सबको कपड़ा मिलेगा। ये महात्मा गांधी का चलाया अभियान है, चरखा चलाकर इसकी उन्होंने शुरुआत की। आज बड़ा ही विशाल रूप खादी का हो गया है। मैं प्रतिवर्ष लगभग आता हूँ और सभी अपने लोगों से निवेदन करता हूँ कि कम से कम एक जोड़ी दो जोड़ी कपड़ा हर साल घर जाड़े के महीने में अपने घरों में ले जाएं, जिससे खादी को बढ़ावा मिले। इसी के तहत यह प्रदर्शनी हर वर्ष लगाई गई है। मैं प्रदर्शनी के सभी अधिकारियों को, हमारे साथ नगर विधायक भी आए हैं, हमारे खादी बोर्ड के सदस्य ललन त्रिपाठी जी भी आए हैं और सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उनको इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामना जाएगी।